आप में से बहुत से लोग वेट कर रहे होंगे ASUS ZenFone 5 और ASUS ZenFone 5 Lite को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों फ़ोन की जो प्राइजिंग है उसकी कन्फर्म लीक यहाँ पे निकल चुकी है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन दोनों फ़ोन की प्राइजिंग यहाँ पे क्या होने वाली है। तो राम राम दोस्तों, वेलकम टू टेक टॉक जॉकी। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि 12 अप्रैल 2018 को ASUS का एक इवेंट है जो कि होगा ताइवान में, यानी कि यहां पे ताइवान जो ASUS की खुद की कंट्री है वहां पर ये फ़ोन सबसे पहले लॉन्च होंगे और ये जो प्राइजिंग यहां पे निकल के सामने आई है ये यहां पे ताइवान की ही प्राइजिंग निकल के आई है, जिसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि ये फ़ोन इंडिया में कितने के लॉन्च होंगे। यहां पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये फ़ोन अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के स्टार्टिंग में लॉन्च हो सकते हैं। पहला फ़ोन जो यहां पे है वो है ASUS ZenFone 5 Lite जो कि ताइवान में लॉन्च हो सकता है ASUS ZenFone 5Q के नाम से। तो दोनों फ़ोन यहाँ पे एक ही होंगे। यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 630 प्रोसेसर मिल जाता है, 4GB 64GB डुअल कैमरा बैक में, डुअल कैमरा फ्रंट में, साथ ही आपको यहाँ पे 3300mAh की बैटरी मिलती है। अगर आप इस फ़ोन के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको ऊपर आई बटन में कंपेरिजन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इन दोनों फ़ोन की यानी कि ASUS ZenFone 5 Lite की डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इस फ़ोन की अगर हम प्राइजिंग की बात करते हैं तो इस फ़ोन की प्राइजिंग यहाँ पे 21,000 होने वाली है। जी हाँ, 21,000 तक इस फ़ोन की प्राइजिंग हो सकती है। यहाँ पे जो दूसरा फोन है वो है यहाँ पे ASUS ZenFone 5। इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर मिलता है, 4GB 64GB और 6GB 64GB वाला वेरिएंट, दो वेरिएंट में ये फोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। साथ ही आपको इसके डिस्प्ले में नोच मिल जाती है, यहाँ पे बैटरी आपको 3300mAh की मिलती है, बैक में डुअल कैमरा, फ्रंट में सिंगल कैमरा। अगर आप इस फोन के सारी डिटेल जानना चाहते हो तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके इसकी सारी डिटेल चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग की। तो आप मुझे पहले बताओ, आप यहाँ पे गेस करो कि इस फोन की प्राइसिंग क्या हो सकती है। तो इस फोन की जो प्राइसिंग है, इस फोन की प्राइसिंग यहाँ पे है 11,990 रुपये ताइवान करेंसी। अगर हम 11,990 रुपये ताइवान करेंसी को इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो ये करीब करीब यहाँ पे बैठती है 26,500 रुपये के आसपास। तो 26,500 रुपये में आपको ये फ़ोन मिलता है। अब मुझे आप बताओ, आप लोग यहाँ पर समझदार हो कि ये जो प्राइसिंग यहाँ पे ASUS ने रखी है क्या ये यहाँ पे सही है या फिर यहाँ पे ओवर या फिर बहुत ज़्यादा ओवर यहाँ पे कर दी है। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यार ये प्राइसिंग जो है बहुत ज़्यादा है। 636 आपको Redmi Note 5 Pro में मिल जाता है और वही फ़ोन आपको 10,000, वही चीज़ आपको 10,000 महंगे फ़ोन के साथ में मिलती है। तो अगर आप 26,000 के अंदर कोई इस फ़ोन को लेता है यार, तो उससे बड़े तो आप यहाँ पे Nokia 7 Plus ले सकते हो। मानते हैं कि आपका कैमरा यहाँ पे अच्छा है, कैमरे के साथ साथ आपने कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे दी हैं, लेकिन प्राइजिंग भी आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रख ली है। तो आप मुझे बताओ कि आप इस फ़ोन को खरीदोगे या फिर नहीं खरीदोगे। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मान लो कि ये फ़ोन जो है 2,000 से 3,000 रुपये कम में लॉन्च हो सकता है, बट फिर भी इसकी जो प्राइसिंग है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ यही बात शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो काम की लगी होगी। अगर आपके वीडियो काम की लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।